हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिस पाथ टेस्टिंग क्या होती है। देखो, बेसिस पाथ टेस्टिंग एज यू ऑल नो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एक टाइप होता है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम बेसिकली कोड के साथ डील करते हैं, तो इसमें भी हम लोग कोड के साथ ही डील करेंगे। वो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। ये कोड लिखा आपके सामने, इस कोड के ऊपर हमने सबसे पहले उसका फ्लो ग्राफ बनाना है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना है। बेसिस पाथ टेस्टिंग का बेसिक फॉर्मूला ये है, पहले उसका कोड लिखा, कोड का हमने फ्लो ग्राफ बनाया, फ्लो ग्राफ से हमने डीडी पाथ ग्राफ बनाया, जिसके आगे हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखो, ये मैंने आपके सामने एक लिखा है, टू कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स, दो नंबरों में से ग्रेटर नंबर निकालना है, उसका आपके सामने एक कोड लिखा है। अब इस कोड में क्या कहता है, प्रोग्राम ग्रेटेस्ट, उसके बाद इनपुट ए, इनपुट बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो प्रिंट कर दे ए, एल्स इफ बी अगर ए से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दे बी, एल्स में बोथ आर इक्वल, एंड इफ एग्जिट। अब ये यहां पे 11 है, उनको मैंने फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन करना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कभी कभार इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, वो आपको कोई भी कोड दे देते हैं ऐसे लिखा हुआ, आपको ये बनाना आना चाहिए। अब देखते कैसे बनता है। क्या किया, सबसे पहले ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनको तो हमने ऐसे ही लिख दिया। फोर्थ स्टेटमेंट इफ है, अब इफ को हमने यहां पे इफ लिखा और वो आगे यहां पे कंडीशन आ गई। मतलब क्या है, ये प्रोग्राम काउंटर वाला है, ये इनपुट ए इनपुट बी, यहां पे है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब उसके दो केसेस बनते हैं, अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो फिफ्थ में लिखा है प्रिंट कर दे ए को, यहां पर ए प्रिंट हो गया, अगर नहीं है एल्स पार्ट क्या चलेगा, उसका हमने एल्स इफ लिखा है, एल्स इफ में आएगा बी ग्रेटर देन ए चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो सेवेंथ पे जाएगा, सेवेंथ पे क्या लिखा है प्रिंट कर दे बी, एल्स हमने लिख दिया प्रिंट बोथ आर इक्वल। उसके बाद यहां पे एंड इफ हुआ, ये वाला जो था ये वाला एंड हुआ, उसके बाद ये आगे अल्टीमेटली यहां पर आएगा, यहां का एंड इफ हुआ और उसके बाद यहां पर एग्जिट कर गया हमारा हमारा जो प्रोग्राम है, राइट। अब ये तो हमारा हो गया फ्लो ग्राफ। अब ये डीडी पाथ ग्राफ क्या होता है, जब भी आपके फ्लो ग्राफ में कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जैसे कि ये वाले कंटिन्यूअसली दिखते हैं, तो हम उन स्टेटमेंट्स को एक सिंगल नोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइक ये देखो, सबसे पहले तो स्टार्टिंग वाली हमेशा स्टार्टिंग वाली रहती है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद ये जो आपकी दो स्टेटमेंट्स है, इनपुट ए और इनपुट बी, चाहे यहां पर चार स्टेटमेंट्स होती है, अगर हम तीन नंबर्स में ग्रेटर नंबर कैलकुलेट करते तो यहां पे इनपुट सी भी होता, तो उन तीनों को कंबाइन करके यहां पर लिख देंगे बी। अब यहां पे जो आपकी एक नोड होती है, दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, बट फ्लो ग्राफ में एक नोड इट ओनली रिप्रेजेंट अ सिंगल स्टेटमेंट, राइट। फ्लो ग्राफ में एक नोड सिंगल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है, बट इन डीडी पाथ ग्राफ वन नोड मे रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, जैसा कि यहां पर हो रहा है, इन दोनों को कंबाइन करके यहां डाल दिया, उसके बाद ये वाली जो थी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, उसके बाद आगे सिमिलर चल रहा है, क्योंकि आगे कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट्स इकट्ठी नहीं आ रही। अगर आप देखो, हाँ एक चीज जो आप कर सकते थे बट हमने नहीं किया, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें इन दोनों को भी इकट्ठा कर देना चाहिए था, बट नो, क्योंकि वो अलग अलग इफ स्टेटमेंट्स का एंड हो रहा है, इसलिए हमने इनको इकट्ठा नहीं यहां पर शो किया, राइट। ये तो अब आपका बन गया डीडी पाथ ग्राफ, थर्ड स्टेप कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है डीडी पाथ ग्राफ को यूज करते हुए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी तीन तरह से कैलकुलेट हो सकती है। सबसे जो इजिएस्ट मेथड है वो ये है, आप नंबर ऑफ रीजन्स को कैलकुलेट करो। रीजन्स कैसे, अगर मैं यहां पे इसको एक एज अ डब्बा मान लूं, ठीक है, ऐसे कहे कि ये डब्बे के अंदर है, ये एक रीजन हो गया। उसके बाद देखो, ये दिखता है आपको, ये वाला जो रीजन है जो मैं डॉटेड शो कर रहा हूं, ये एक दूसरा क्लोज्ड रीजन है और एक ये थर्ड रीजन है। तो ऐसे टोटल तीन रीजन्स मिले तो आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी थ्री हो गई। एक ये तरीका है। नेक्स्ट तरीका क्या होता है, जहां पर भी आपको प्रेडिकेट स्टेटमेंट्स मिले, प्रेडिकेट स्टेटमेंट मतलब जो आपकी इफ टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, जैसे यहां पर इफ है, जितनी प्रेडिकेट स्टेटमेंट्स प्लस वन उसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी। प्रेडिकेट स्टेटमेंट्स प्लस वन, जैसे अब यहां पर आपकी प्रेडिकेट स्टेटमेंट्स कितनी, एक और ये दो, सो देयर आर टू प्रेडिकेट स्टेटमेंट्स व्हिच मींस द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज टू प्लस वन व्हिच इज अगेन थ्री। और एक सबसे इजीएस्ट मेथड जो है, सबसे इजी मतलब फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस एन प्लस टू पी, मतलब ई हो गया आपके नंबर ऑफ एजेस,
यहाँ पे एजेस कैलकुलेट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टेन नोड्स हैं, ई एजेस एंड नोड्स प्लस 2 पी। फ्रेड पी मतलब कितने तरीके हैं जहां से आपका जो फाइनली प्रोग्राम है वो एग्जिट कर सकता है, पी का सिंपल भाषा में ये मतलब होता है। तो यहां पे आपका प्रोग्राम सिर्फ एक ही पाथ है, एक ही वे है जिससे एग्जिट कर सकता है, तो इसलिए वो हो गया P की जगह 2 into 1 विच इज 2, तो ये बन गया 13 माइनस 10 विच इज अगेन 3। तो आपको ये दिख रहा है कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आप किसी भी वे में निकालो अल्टीमेटली हमेशा वो सेम आनी चाहिए, हमेशा सेम आएगी भी। और आपके पास 3 साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आई, इसका मतलब है कि आपके पास 3 ऐसे इंडिपेंडेंट पाथ्स बनते हैं। हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट पाथ्स चाहिए। अब इंडिपेंडेंट पाथ क्या निकलेंगे, एक पाथ निकलेगा आपका ये वाला डायरेक्टली, जिसका मतलब है ए टू बी, ए बी सी डी आई जे, एक बन गया आपका ए बी सी डी आई जे, राइट। अब नेक्स्ट पाथ, टोटल 3 पाथ्स है, अब सेकंड पाथ कैलकुलेट करते हैं। गाइस जो सेकंड पाथ है, सेकंड पाथ अगर हम देखें तो वो भी ए बी सी, उसके बाद यहां से आएगा, अब एक आएगा ई, उसके बाद एफ एच आई जे, और जो थर्ड पाथ आएगा वो आएगा ए बी सी ई, एफ हमने पहले ले लिया था तो ई के बाद जी एच आई एंड जे। ये चीज हमें दिखती भी है कि एज वी कैलकुलेटेड द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी एज 3, सो हमें 3 ही इंडिपेंडेंट पाथ्स मिले। इसका मतलब हमने जो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की थी वो एकदम सही थी। अब जो ये हमने 3 इंडिपेंडेंट पाथ्स कैलकुलेट किए हैं, इनके लिए हमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस बनाने हैं। मतलब ये जो 3 इंडिपेंडेंट पाथ्स है 1, 2, 3, इसके लिए अब हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाएंगे। फर्स्ट पाथ के लिए ढेर सारे टेस्ट केसेस बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे। सेकंड पाथ के लिए ढेर सारे टेस्ट केसेस बनाए, उसको टेस्ट किया, सिमिलर विद द थर्ड केस। ये है हमारा बेसिस पाथ टेस्टिंग, जिसका मतलब हुआ हमने इंडिपेंडेंट पाथ्स कैलकुलेट किए, उसके बाद हर पाथ के लिए हमने ढेर सारे टेस्ट केसेस बनाए, और हमने कोशिश की कि टेस्टिंग के टाइम पे ही कोई भी टेस्ट केस ऐसा मिल जाए जिससे कि जो है वो फेल हो जाए, हमारा जो हमने टेस्ट बनाया था उसे हमारा फेल का अगर निकलता है चांस, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे कहीं ना कहीं कोई गलती है। और कोई भी ऐसे टेस्ट केस ना मिलने पर मतलब है कि हमने जो बनाया था कोड वो बिल्कुल सही रन कर रहा है। तो ये था हमारा बेसिस पाथ टेस्टिंग का मेन फंडा, जिसमें कि हमने सबसे पहले कोड को रन किया, कोड लिखा, उसके बाद हमने उसका फ्लो ग्राफ बनाया, नेक्स्ट उसका डीडी पाथ ग्राफ बना दिया, उसके बाद साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के बाद हमने उसके इंडिपेंडेंट पाथ्स बना दिए, और उन इंडिपेंडेंट पाथ्स के बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस को सर्च किया, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस को बनाया। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। Do share this video with your classmates and friends, and do hit the like button. And yes, don't forget to subscribe to my YouTube channel, because अगले आने वाले दिनों में बहुत सारी videos different different subjects की upload करने जा रहा हूँ, जैसे cloud computing, आपका computer graphics and artificial intelligence, software engineering, इन सब की मैं साथ साथ में videos upload कर रहा हूँ। तो please इन सब videos को जरूर देखना and do hit the like button. Thank you so much.